यस हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मीनाक्षी एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। और आज हम अपनी इस क्लास में करते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? इसमें आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, 2x + 3y = 7। ओके, फिर है a - b (x) + a + b (y) = 3a + b - 2। तो दो इक्वेशन दी हुई है, इन्होंने बोला है कि इन दोनों इक्वेशन के जो सोल्यूशन है वो क्या हो, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। ओके, इफ दीज टू सोल्यूशन हैव द इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, तो स्टूडेंट्स यू नो दैट फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ओके, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2। ओके, ये होता है, ये आपको पता है, इसमें ये a1 है, ये इसमें b1 है और ये इसमें c1 है, ये इसमें a2 है, ये इसमें b2 है और ये इसमें c2 है। ओके, ये सब क्या है, ये x का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट, कॉन्स्टेंट टर्म। फिर सेकेंड इक्वेशन में ये x का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट और ये पूरी की पूरी c2 कॉन्स्टेंट टर्म। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो, दो इक्वेशन बना के। अब देखो यहाँ पे a1 के प्लेस पे लिखो 2, तो 2 अपॉन a2 है ना, a2 है ना, तो a - b = b1 3 upon b2 a + b = c1 7 upon c2 3a + b - 2। नाउ टेक दीज 2। ओके, तो इन दोनों के ले लो आप, 2 upon a - b = 3 upon a + b। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 into a + b = 3 into a - b। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्टेप अंदर मल्टीप्लाई, 2a + 2b = 3a और ये माइनस का साइन लगेगा, माइनस का 3b अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2a और 3a भी इधर लेके आ जाऊं, माइनस का 3a और ये प्लस का 2b। ओके, ये 2a लिख दिया, 3a में माइनस इधर लेके आए तो माइनस का हो जा रहा है, ये फिर यहाँ पे 2b लिख दिया और फिर यहाँ पे ये भी इधर लेके आ जाऊं लेफ्ट में, तो ये भी प्लस का 3b हो जाएगा = 0। तो क्या बने इक्वेशन, 2a - 3a - a, 2b 3b 5b और = 0। ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए यहां से थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं, देखिए क्या करते हैं इसमें हम। अब ये वाली दो ले, ओके, क्या है, 3 upon a + b, 3 upon a + b = 7 upon 3a + b - 2, 3a + b - 2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 into 3a + b - 2 = 7 into a + b, 3 3 = 9a प्लस 3b, 3 2 = 6, 7a + 7b। नाउ 9a ट्रांसपोज माइनस का 7a हो जाएगा, 3b ट्रांसपोज माइनस का 7b हो जाएगा = 6 को इधर ट्रांसपोज प्लस का 6 हो जाएगा, 9a 7a 2a, -3 - 7 - 4b = 6। नाउ यू कैन टेक कॉमन
फ्रॉम एयर टू, यस टू को ले लेते हैं, टू ए माइनस टू बी इजिकल टू थ्री. ओके, और इक्वेशन में से आप टू कोमल ले लेते हो तो टू वन जा टू, टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स. ये आपके यहां पे बन गई इक्वेशन नंबर टू. अब क्या कर लेते हैं इसमें हम, इसको यहां से हटा दो. ठीक है, ये आपकी बन गई यहां पे इक्वेशन. अब हम इसमें क्या करते हैं, ए माइनस टू बी इजिकल टू थ्री और माइनस ए, बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो बहुत इजी है. ठीक है, इसको तो हम किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से कर. तो बाय एलिमिनेशन मेथड एडिंग, यस एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ऐड कर लो. क्या है इक्वेशन वन, माइनस ए प्लस फाइव बी इज इक्वल टू जीरो और a माइनस टू बी इज इक्वल टू थ्री. ये कर लो यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाते हैं, ये थ्री बी आ जाता है और ये इज इक्वल टू थ्री आ जाता है और ये b इज इक्वल टू क्या हो गया, थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन. ओके, तो b इज इक्वल टू आपका आ गया वन. ये आ गई आपकी पहली वैल्यू, b की वैल्यू. अब यहां से a की वैल्यू निकाल लो. ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन में पुट करें हम, यहां पर, यहां पे कर लू, यहां पे कर लेते हैं हम. देखो b इज इक्वल टू वन, तो इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दो. ठीक है ना, तो यहां पे लिख लो पुटिंग b इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू. b वन a माइनस b के प्लेस पे बस आपको क्या रखना है, वन करना है. इन टू वन इजिकल टू थ्री, ए माइनस टू इजिकल टू थ्री, तो ए इजिकल टू टू प्लस थ्री, इधर ट्रांसपोज होगी प्लस का हो जाएगा, तो ए इजिकल टू फाइव. नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए आल्सो, सो हियर ए इजिकल टू फाइव एंड बी इजिकल टू वन एंड अवर सॉल्यूशन कंप्लीट. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में आ गया होगा. अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना. स्टूडेंट थैंक यू.